प्यारे बच्चों, तो हमने इस पाठ में वह बदल गया। हमने देखा कि आकाश जो शुरू में आलसी हो गया था, समय पे अपना काम नहीं करता था, उसने क्या किया, उसमें बदलाव आया और वह बदल गया क्योंकि उसको समय की कीमत का पता चल गया था, उसको परिश्रम का पता चल गया था। और गलती से हम लोग गलती से क्या करते हैं बच्चों, सीखते हैं। तो इसने भी देखा कि जब वो खेल में हार गया, जो स्कूल के दौड़ में वो हार गया, तो उसका कारण उसको समझ आ गया कि उसका अभ्यास ना करने के कारण वो हारा था। तो हमने और उसके इस बदलाव से, किस बदलाव से बच्चों, कि सभी परिश्रम करने का, अब वह समय पे उठता था और समय पे तैयार होके स्कूल चले जाते थे। तो उसके इस बदलाव को देखकर सभी लोग खुश हुए, उसकी माँ और उसके अध्यापक। तो हम बच्चों आज इसके शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के हमारे शब्दार्थ और मुहावरे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग छांट के अलग अलग सूची के नीचे लिखेंगे। शब्दार्थ है हमारा ढापना, जिसका अर्थ होता है ढक लेना। तो आकाश हमने पाठ के शुरू में देखा था, जब आकाश की माँ उसको उठने के लिए कहती थी तो वह चादर से अपना मुंह ढांप लेता था, ढक लेता था। वार्षिक मीन्स का मतलब होता है वर्ष में एक बार, या इसको सालाना भी कहा जाता है। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा जो होती है वर्ष में एक बार ही होती है। प्रतियोगिता, इसको हम लोग मुकाबला कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कंपटीशन कहते हैं। तो प्रतियोगिता का क्या अर्थ है बच्चों, मुकाबला। प्रतिभागी, भाग लेने वाले। तो प्रतिभागी कौन होता है बच्चों, जैसे कि दौड़ के प्रतियोगिता में आकाश के साथ कौन दौड़ रहा था, असद भी। असद और बाकी बच्चे प्रतिभागी थे जो आकाश के साथ दौड़ रहे थे। हमारा अगला शब्द है आवश्यक। आवश्यक का अर्थ होता है ज़रूरी। आवश्यक का क्या अर्थ होता है, ज़रूरी। जैसे अब लोग लॉकडाउन है, पूरा बनारस बंद है, केवल ज़रूरी काम के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। अगला शब्द है उत्साहित। क्या है, उत्साहित, उमंग से भरकर। तो आकाश भी उत्साहित हो गया था जब उसने अपना दौड़ की प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया, तो वो क्या था, उत्साहित, उत्साह से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। तो उत्साहित का अर्थ है प्रातः, सुबह के समय को, सवेरे को हम लोग प्रातः बोलते हैं। आनाकानी, अनसुनी, सुनकर भी बात न मानना। जैसे आकाश शुरू में क्या करता था, उसकी माँ कहती थी उठ जाओ बेटा आकाश, और वो उनकी बात कहता था, हाँ माँ उठता हूँ, और उसके बाद वो उठता ही नहीं था। तो जो काम या जो बात सुनकर भी न करी जाए, न मानी जाए, उसे क्या कहते हैं, अनसुनी, जैसे सुना ही ना हो। विश्वास, हमारा अगला शब्द है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है यकीन। जैसे आकाश को भी विश्वास था कि वह जीतेगा, आकाश के सभी दोस्तों को भी यकीन था कि दौड़ में आकाश को कोई हरा ही नहीं सकता। तो विश्वास का क्या अर्थ होता है बच्चों, यकीन। विजेता, जीतने वाला।
विजेता का अर्थ होता है जीतने वाला। जैसे खेल के वार्षिक प्रतियोगिता में दौड़ में असद विजेता बना, असद विजेता बना मतलब दौड़ असद ने ही जीता। विजेता का अर्थ होता है जीतने वाला। बच्चों शब्द बना है विजय से, विजय मतलब जीत, विजेता जीतने वाला को विजेता कहा जाता है। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। आकाश की इच्छा थी कि उसका भी फोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। इच्छा का अर्थ होता, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। अब हम चलते हैं बच्चों, एक और शब्द है परिणाम। क्या है परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो इस दौड़ का परिणाम क्या आया, जो आकाश के स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता हो रही थी उसमें दौड़ का क्या परिणाम आया कि असद दौड़ में विजेता बनकर जीत गया। तो परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परिणाम का रिजल्ट। अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें दो मुहावरे आए हैं इस पाठ में, हमने दो मुहावरे देखे हैं। मुहावरे हमें पता है, मुहावरे वो शब्द समूह होते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ से हटकर अलग अर्थ होता है। हमारा पहला है मुंह उतरना, पहला मुहावरा हमारा है मुंह उतरना। आपको मैं मार्क कर देता हूँ, मुंह उतरना ये हमारा पहला मुहावरा है जिसका अर्थ है उदास हो जाना। आकाश जब दौड़ में हार गया, जब वह दौड़ में तीसरे नंबर पे आया तो उसका मुंह उतर गया था, वह उदास हो गया था। तो ये हमारा बच्चों, ये हमारा पहला मुहावरा है। हमारा दूसरा मुहावरा है ठान लेना। हमारा दूसरा मुहावरा क्या है बच्चों, ठान लेना। ठान लेना है दृढ़ निश्चय करना। तो हमने देखा असद ने ठान लिया था कि इस बार की दौड़ की प्रतियोगिता में वही जीतेगा, उसने निश्चय कर लिया था, निश्चय कर लिया था तथा अभ्यास किया था। तो ठान लेना, ठान लेना का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। तो बच्चों ये भी एक मुहावरा है इस पाठ में हमारे, हमें दो मुहावरे आए हैं, पहला है मुंह उतरना और दूसरा है ठान लेना। तो इनको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो इसको भी शब्दार्थ और मुहावरों को भी हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। शब्दार्थ को पहले लिखेंगे, उसके बाद मुहावरों को बाद में लिखेंगे। हमारे पास दो ही मुहावरे हैं, तो एक बार फिर से इसको पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इसको नोटबुक में लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग। ढापना का अर्थ होता है ढक लेना। वार्षिक, वार्षिक का अर्थ होता है सालाना। प्रतियोगिता का अर्थ होता है मुकाबला। प्रतिभागी का अर्थ होता है भाग लेने वाला। आवश्यक का अर्थ है ज़रूरी। उत्साहित, उमंग में भरकर। प्रातः, सवेरे। आनाकानी, अनसुने। विश्वास, यकीन। व्यवस्था, इंतज़ाम। विजेता, जीतने वाला। अभिलाषा, इच्छा। परिणाम, नतीजा। परिणाम, नतीजा। और उसके बाद दो मुहावरे हैं, हमारा पहला मुहावरा है मुंह उतरना, अर्थ होता है उदास हो जाना। उसी तरह दूसरा मुहावरा एक और है ठान लेना। ठान लेने का अर्थ होता है बच्चों
दृढ़ निश्चय करना। तो ये हमारे शब्द अर्थ हो गए। अब हम पाठ के जो मौखिक प्रश्न हैं उनको करेंगे एक एक करके। हाँ बच्चों, आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? तो हमने देखा कि आकाश समय पे स्कूल नहीं पहुंचता था, कभी कॉपी तो कभी किताब घर पे ही भूल आता था और गृह कार्य भी नहीं करता था। तो आकाश को डांट क्यों पड़ती थी? अब तो हमें कारण पता है। हम लिखेंगे, आकाश को अध्यापक की डांट इसलिए पड़ती थी क्योंकि वह अक्सर स्कूल देर से पहुंचता, गृह कार्य पूरा ना करता और कॉपी या किताब घर पर ही भूल आया करता था। तो ये कारण था बच्चों, हम लोग जानते हैं। फिर से इसको कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनो इसको। आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? आकाश को अध्यापक से डांट इसलिए पड़ती थी क्योंकि वह स्कूल देर से पहुंचता, उसका गृह कार्य कभी पूरा ना होता और वह अपनी कॉपी या किताब घर पर ही भूल जाता था। तो ये हमारा मौखिक प्रश्न है बच्चों, इसको केवल याद करना है, लिखना नहीं। हम लोग लिखित प्रश्न लिखेंगे और याद करेंगे। हमारा ख प्रश्न है, आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया? तो आकाश ने दौड़ की प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया। हम जानते हैं कि वह दौड़ में बहुत तेज था, तेज दौड़ने वाला बच्चा था। तो उसने किस प्रतियोगिता में नाम लिखाया था? दौड़ प्रतियोगिता में। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों, जरा याद करेंगे। जरा देखो, आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया? आकाश ने दौड़ की प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया। अगला तीसरा प्रश्न है, आकाश की क्या अभिलाषा थी? हाँ तो बच्चों, हम तो जानते ही हैं आकाश क्या करना चाहता था। आकाश की अभिलाषा थी कि वह उसकी फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। पत्रिका में कैसे छप सकती थी जब वह दौड़ में प्रथम आता? दौड़ में, इसीलिए उसने दौड़ के प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया था। तो अभिलाषा क्या थी, इच्छा क्या थी उसकी? उसकी इच्छा थी कि स्कूल की प्रतियोगिता में बस उसकी फ़ोटो छप जाए, और छपने की शर्त थी कि आपको स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आना हो पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों, आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल के पत्रिका में छपे। तो बच्चों क्या है, एक वाक्य में ही लिखना है, कितना छोटा है और कितना आसान है। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल की प्रतियोगिता, अरे स्कूल की पत्रिका में छपे। स्कूल पत्रिका को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल मैगज़ीन। पत्रिका मतलब मैगज़ीन। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। आकाश की क्या अभिलाषा थी?
आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। अब हम चलते हैं घ, हमारा मौखिक प्रश्न घ। आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? तो बच्चों हम जानते हैं अखिलाश आकाश ने दौड़ तो अच्छी शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद उसकी सांस फूलने लगी, और वो थक गया। और असद जो उसके साथ प्रतिभागी था वह उससे आगे निकल गया। और जैसे जैसे दौड़ आगे चली आकाश थक गया था, उसकी सांस फूलने लगी और वह तीसरे नंबर पे आया। दौड़ में उसका नंबर तीसरा था। तो थक जाने के कारण, बच्चों थका क्यों था वो? अभ्यास नहीं किया था ना उसने, तो इस कारण से वह दौड़ में पिछड़ गया, हम जानते हैं। तो घ वाला का हम लोग घ प्रश्न है, आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? आकाश दौड़ में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसने दौड़ का अभ्यास नहीं किया था। हम ऐसे लिख सकते हैं, या अभ्यास न होने के कारण, दौड़ का अभ्यास न होने के कारण आकाश दौड़ में पिछड़ गया। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं बच्चों, दोनों ही उत्तर सही हैं। तो दौड़ का अभ्यास न होने के कारण आकाश दौड़ में पिछड़ गया। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर थे बच्चों, इनको एक बार फिर हम लोग दोहरा लेते हैं। इन प्रश्नों को हम लिखते नहीं, तो फिर से एक बार चारों प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? तो लिखेंगे, आकाश को अध्यापक से डांट पड़ती थी क्योंकि वह स्कूल देर से पहुंचता, अपना गृह कार्य नहीं करता था, तथा वह अपनी कॉपी या किताब घर पर ही भूलकर आ जाता था। दूसरा प्रश्न है हमारा, आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया? आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया? आकाश ने दौड़ प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया। आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया? आकाश ने दौड़ प्रतियोगिता में अपना नाम लिखाया। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। घ, आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? अभ्यास, दौड़ का अभ्यास न होने के कारण आकाश दौड़ में पिछड़ गया। आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? दौड़ का अभ्यास न होने के कारण आकाश दौड़ में पिछड़ गया। तो बच्चों ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं अपने लिखित प्रश्नों पे। तो हमारे तीन लिखित प्रश्न हैं,
इनको हमें अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, कॉपी पे और बुक पे भी, दोनों दो जगह करना है इसको, क्योंकि बुक में भी स्पेस दिया हुआ है और हम लोगों को कॉपी पे भी लिखना है। तो सभी हम लोग दोनों जगह करेंगे इसको, नोटबुक पे भी लिखेंगे सुंदर राइटिंग में और बुक में भी। देखो बुक में स्पेस दिया हुआ है तो हम लोग इसको दोनों जगह करेंगे। हमारा पहला लिखित प्रश्न है, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? तो सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लेता था। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे, मैं इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके आपको भेज दूँगा कैसे हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश अपना मुंह चादर से ढक लेता था। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश अपना मुंह चादर से ढक लेता था। आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? आकाश ने दौड़ में अपना नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि वह दौड़ने में बहुत तेज़ था। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? आकाश ने दौड़ में अपना नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि वह दौड़ने में बहुत तेज़ था। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? आकाश ने दौड़ में अपना नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि वह दौड़ने में बहुत तेज़ था। तो बच्चों ये प्रश्न हम लोगों ने कैसे लिखे हैं, पाठ के आधार पर हमने पाठ पढ़ा था, पाठ में ही बताया गया था कि कैसे, जैसे हम लोग पहला ही प्रश्न लेके चलते हैं, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? तो हमने देखा जब सवेरे आकाश को उसकी माँ जगाती थी तो वह चादर से मुंह ढक लेता था ताकि माँ की आवाज़ उसे सुनाई ना दे, तो वह आलसी हो गया था, ये तो हम जानते ही हैं। तो आकाश क्या करता था, चादर से अपना मुंह ढक लेता था ताकि माँ की आवाज़ उसके कानों तक न जा सके और वो आराम से सोया रहता था। तो एक बुरी आदत थी उसके पास माँ की बात न सुनने की, माँ की बात को अनसुना कर देता था। दूसरा था हमारा, आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? हम लोग जानते ही थे, पाठ में बताया भी गया था, उसके खुद साथी उसको बताते आकाश को कि आकाश से तेज कोई नहीं दौड़ सकता था, इसीलिए आकाश जानता था कि वह दौड़ प्रतियोगिता में आसानी से जीत जाएगा, इसीलिए उसने दौड़ में अपना नाम लिखवाया था। हमें पता था, ये हमें कैसे पता चला बच्चों, पाठ में लिखा था, पाठ में ये भी लिखा था कि उसके दोस्त तक जानते थे, उनके दोस्तों तक को पता था कि वह दौड़ में बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इस कारण आकाश ने सोचा कि वह भी दौड़ प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाए क्योंकि वह दौड़ प्रतियोगिता आसानी से जीत जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न था बच्चों, दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था? तो पाठ में क्या बताया गया था बच्चों कि दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था,
असद ने ठान लिया था, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह जीतेगा। एक उसको विश्वास था कि वो, और केवल उसने ठान लेना ही नहीं, उसने परिश्रम भी किया था। वह रोज़ सुबह उठ जाता था और दौड़ का अभ्यास करता था। तो उसके पीछे दो तीन कारण थे, अगर हम लोग देखें तो असद के जीतने के पीछे दो तीन कारण थे, केवल परिश्रम, केवल ठान लेना ही कारण नहीं था। उत्साह में तो हमारे आकाश ने भी कहा था कि वह जीत के दिखाएगा, लेकिन उसने परिश्रम नहीं किया, अभ्यास नहीं किया और वह हार गया। तो इसीलिए असद के जीत का क्या कारण था, उसने ठान लिया था, और केवल न केवल ठान लिया था बल्कि उसने परिश्रम किया था, अभ्यास किया था। रोज़ सुबह वह उठ जाता था, दौड़ का अभ्यास करता था, इस कारण से वह दौड़ की प्रतियोगिता में जीत सका। तो अगर हमें इसे इसका उत्तर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था? दौड़ में असद के जीत जाने का कारण उसका परिश्रम तथा अभ्यास था। दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था? दौड़ में असद के जीत जाने का कारण उसका परिश्रम तथा अभ्यास था। तो एक बार बच्चों हम तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। समझा लिया इसको? मैं आपको व्हाट्सएप पे भी इसका क्लिक करके फ़ोटो आंसर दे दूंगा आपको। लिखते समय आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही साफ होनी चाहिए और आपको सुंदर लिखना है। आपको इस क्वेश्चन को बुक पे भी लिखना है, जो स्पेस बना हुआ है उसके लिए आपको पेंसिल का यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे बच्चों? डार्क पेंसिल का। और नोटबुक पे भी हम पेंसिल से लिखेंगे, डबल लाइन की नोटबुक है हमारी, उस पे भी हम लोग पेंसिल से ही लिखेंगे। तो एक बार लिखित प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? उत्तर है, सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश अपना मुँह चादर से ढक लेता था। ख, आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? आकाश ने दौड़ में अपना नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि वह दौड़ने में बहुत तेज था। हमारा ग प्रश्न है, दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था? दौड़ में असद के जीत जाने का कारण उसका परिश्रम तथा अभ्यास था। दौड़ में असद के जीत जाने का कारण उसका परिश्रम तथा अभ्यास था। तो बच्चों ये हैं हमारे लिखित प्रश्न। तो आज हमने क्या किया? आज हमने बच्चों आपका गृह कार्य बता देता हूँ। शब्दार्थ हमने लिखा सबसे पहले और फिर मुहावरे लिखे। आपको नोटबुक पे शब्दार्थ लिखना है और मुहावरे लिखने हैं। इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। हमारे पुस्तक में दोनों मिला के लिखा हुआ है। इस पाठ में हमारे दो ही मुहावरे हैं। कौन कौन से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बाकी तो सब शब्दार्थ हैं। दो ही मुहावरे हैं। पहला है मुँह उतरना, जिसका अर्थ होता है उदास हो जाना, और दूसरा मुहावरा है ठान लेना। ठान लेने का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, और बाकी सब शब्दार्थ हैं। तो हम पहले शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ, और उसके बाद मुहावरे लिखेंगे, दोनों मुहावरे। उसके बाद मौखिक हमें करना नहीं, हमने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद लिखित पे चलेंगे। हमें लिखित दो जगह करना है, एक नोटबुक में भी करना है और एक बुक में भी करना है। बुक में स्पेस दिया हुआ है, उसी जगह में हमको लिखना है, और नोटबुक में भी सुंदर लिखना। तो बच्चों आज हमारा यहीं तक।
है, आपका गृह कार्य है कि लिखित को भी बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी, और शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखना है। कल हम आगे अभ्यास के प्रश्न आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।